हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पीहू मैडम बैठी है आज। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि आप पीहू को नहीं दिखाते हो, तो मैंने कहा चलो आज मैं बिठा लेती हूँ उसको भी। पीहू हाय करो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज मैं आप सबके साथ में फिर से एक चैलेंज लेकर के आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें कर लेती हूँ जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो जैसे कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, लोगों के वीडियो पे जाते हैं, लाइक करते हैं, देखने से पहले ही लाइक कर देते हैं और कमेंट मार के छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। वो जो हमारा कमेंट होता है वो हम तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि वो स्पैम हो जाता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। उसने क्या किया है, जैसे पहले सपोर्ट, सब्सक्राइबर्स, इस टाइप के वर्ड्स हम लिखते थे तो हमारा जो कॉमेंट होता था वो स्पैम होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या हो गया है, अगर हम दो मतलब कुछ ही सेकेंड्स का वीडियो देखते हैं, जैसे कि हमने गए वीडियो देखा नहीं, लाइक मारा, कॉमेंट मारा और वहाँ से चले गए, ठीक है, तो वो भी स्पैम हो जाता है। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, आपने मेरा वीडियो वॉच किया भी है या खाली आपने लाइक करके और कमेंट करके छोड़ दिया है। ठीक है? तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो, किसी भी वीडियो को थोड़ा सा टाइम दिया करो जज। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, ठीक है, मैंने भी बहुतों के साथ में ऐसा किया है। बी ऑनेस्टली मैं ये बताती हूँ कि हाँ, मैंने भी किया है, लेकिन जब से मुझे ये चीज़ पता चली है तो उसके बाद से कम 2 से 3 मिनट उनको ज़रूर से ज़रूर दूंगी। और मेरा आज के बाद कोई भी कमेंट किसी के भी पास में जाएगा तो वो स्पैम नहीं होगा, ये मैं कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप भी ऐसी कोशिश किया करो, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से के सपोर्ट से ही हम लोग आगे जाते हैं। यूट्यूब पे अगर हम हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, केवल फ्रेंड बनाने से काम नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा सा हमें वॉच टाइम भी देना चाहिए, प्लस स्पैमिंग से हमें बचना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी यूट्यूबर हो, मैं भी यूट्यूबर हूँ, ठीक है। और जो जो मतलब आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। जो मुझे आप सब सपोर्ट दे रहे हो, जो प्यार प्यार से कमेंट्स करते हो, पीहू के लिए बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और सब्सक्राइब करने के बाद मुझे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लेकिन बी ऑनेस्ट होकर के कमेंट करना। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे किया ही नहीं है और बस कमेंट मार दिया कि हाँ, मैंने आपको फ्रेंड बना लिया है। मुझे पता चल जाता है क्योंकि मैं चेक कर सकती हूँ कि किसने मुझे किया है, किसने नहीं किया है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक कॉमेंट को जाके मैं चेक करूँ, एक एक का जाके चेक करूं कि भाई इसने मुझे सब्सक्राइब किया है कि नहीं। मैं भी उसको रिटर्न करती हूं, लेकिन बी ऑनेस्ट मतलब ऐसा मत किया करो, ठीक है। पक्के वाले फ्रेंड बनाना चाहिए हमेशा, क्योंकि यूट्यूब पे हम हैं, इस तरह से धोखाधड़ी से काम नहीं चलता है। कितने दिन काम चला लेंगे, थोड़े दिन चला लेंगे। यूट्यूब पे ऐसा तो है नहीं कि हमें 1 महीना 2 महीना रहना है, उसके बाद हमें इसको छोड़ना है। मैंने तो इसको ज्वाइन किया है, तो शायद मैं मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसको कहाँ तक लेकर के जाना चाहती हूँ। मैं बहुत दूर तक लेकर जाना चाहती हूँ। मुझे हो सकता है कि मेरी बेटी बड़ी हो जाए, आप सबके सामने देखते देखते मेरी बेटी भी बड़ी हो जाए, क्योंकि मैंने तो इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे मतलब बहुत लंबे टाइम तक लेकर के जाना है, मुझे इसे छोड़ना थोड़ी है। तो इसलिए अगर हम लोग ऑनेस्ट रहेंगे और पक्के वाले फ्रेंड बनाएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धोखाधड़ी से काम नहीं चलता है यूट्यूब पे, तो ये थोड़ी सी बातें ज़रूरी थी। अंकित सागर जी ने मुझे चैलेंज दिया है सिंगिंग का, तो मैं उनका एक्सेप्ट करती हूँ। प्लस एक और कोई है, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्नीजिंग के लिए बोल रहे हैं। उनका कमेंट आता है कुछ पेरिस से हैं शायद वो, उनका बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि भाई आप ना स्नीजिंग चैलेंज करो 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 करो। तो मैं यहाँ पे स्नीजिंग चैलेंज भी करूँगी गाने के बाद में, वो भी देखिएगा ज़रूर। और मैं स्नीजिंग किसी भी चीज़ से नहीं करूँगी, मैं आर्टिफिशियल स्नीजिंग करूँगी। मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ, कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बस मैं आर्टिफिशियल स्नीजिंग करूँगी, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी इस वजह से, ठीक है। तो चलो गाइज, भजन स्टार्ट करने जा रही हूँ। भागना मत यार, प्लीज़ सुन लेना, इतना ख़राब भी नहीं गाती हूँ, थोड़ा तो टाइम देना ही देना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको बजा के गाऊंगी। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है ना, और लाइक तभी करना जब आप थोड़ा सा वीडियो देख लेना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। ऐसे मत करना कि बस लाइक करो, कमेंट करो, भाग जाओ, ठीक है, ये मत करना प्लीज यार, ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपना भजन। तो कृष्ण भगवान का भजन है, बहुत ही प्यारा सा भजन है, सुनना जरूर और बने रहना मेरे साथ में। झूठी दुनिया, झूठे बंदे
मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। तो गाइस यहाँ पे मैंने भजन गाया है, पता नहीं आप सबको कैसा लगेगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। जैसे भी मेरी फटी कटी आवाज़ है बस उसी से मैंने गा दिया है। अगर पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है? अगर पसंद आए, आपने देखा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो, ठीक है? तो गाइज अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना दूसरा चैलेंज, वो है स्नीजिंग का चैलेंज। तो मैं विदाउट किसी चीज़ के करूँगी, ठीक है? मैं कुछ भी, और मेरी अगर ये ना ढोलक पसंद आई हो, मैंने जो बजाई थी वो भी बताना कैसी बजी थी, ठीक है? तो चलो यहाँ पे मैं विदाउट किसी चीज़ के मैं कुछ भी चीज़ को अपनी नोज़ में नहीं करूँगी, इंसर्ट नहीं करूँगी, ना ही मैं कुछ सूंघूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, बस मैं ऐसे ही स्नीजिंग चैलेंज करने जा रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, जिसने मुझे चैलेंज दिया है आई होप वो ज़रूर देखेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है? तो चलो हम लोग आर्टिफिशियल स्नीजिंग करने जा रही हूँ। तो आर्टिफिशियल मैं छींकती हूँ, एक मिनट तक करूँगी, ये जो मेरा काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो एक मिनट तक करूँगी मैं। करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। क्या कर रही तो चलो गाइस यहाँ पे मजाक बहुत हो गया, जैसे भी कर पाई वैसे कर दिया। बच्चे मेरा कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है? और स्नीजिंग चैलेंज था, एक मजाक में ले लिया, थोड़ी सी कॉमेडी भी होनी चाहिए ना, है ना? थोड़ा बहुत आप भी देखोगे तो शायद हंसोगे, जैसे मेरी पीयू हंस रही थी बैठ करके। तो गाइस अगर थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो मेरा ब्लॉग, सॉरी वीडियो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस, ठीक है ना? और देखने के बाद लाइक करना, ऐसे नहीं कि फट से लाइक करो कॉमेंट करो मत जाना, ऐसे भी न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। पसंद आता है अगर मेरा भजन तो शेयर भी कर देना, और भजन सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, कोई और चैलेंज देखना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स पे जा करके प्यारे प्यारे से अपने कमेंट कर देना, ज़रूर पूरा करती हूँ मैं। जो भी मुझे चैलेंज देता है मैं उसका ज़रूर से ज़रूर पूरा करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। जैसे कि अब मुझे कोई कहता है आप नोज़ ब्लोइंग का चैलेंज लो, तो यार ये तो वियर्ड है ना, ये तो मैं नहीं कर सकती ना। नोज़ ब्लोइंग का चैलेंज क्या होता है यार, ये तो गंदा सा हो गया। फिर मेरी छोटी सी बेटी है उसके साथ में इस तरह से मैं नहीं कर सकती, गंदगी नहीं फैलानी ना यूट्यूब पे। तो अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो ज़रूर करती हूँ, जैसे अभी मैंने हंसी हंसी में स्नीजिंग चैलेंज कर लिया अपना, या मैंने भजन चैलेंज मतलब जो उसने सिंगिंग चैलेंज था वो ले लिया। मूवी का सॉन्ग नहीं गा सकती थी क्योंकि कॉपीराइट वाला मैटर हो जाता है, मैटर हो जाता है, ठीक है? तो इसी तरह से प्यारे प्यारे अपने कॉमेंट करते रहना, प्यार देते रहना और सपोर्ट करते रहना।
और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, उनके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। और चैलेंज कुछ और देखना चाहते हो तो आज ही कमेंट करना, कल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ गाइस, बाय बाय।